हाय फ्रेंड्स, बाबुल नारा। फ्रेंड्स, अब तो पता चल गया ना बाबुल नारा का मतलब क्या होता है। बाबुल नारा मतलब कैसे हैं आप, ठीक ठाक है ना। आंसर देंगे बाबुल नानू, मतलब ठीक ठाक हूँ। बाबुल नानू, नू आ गया मतलब अपने लिए, हूँ मैं ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आज का, आज ना बिगनर्स के लिए, जो नए नए अभी बिल्कुल इस क्षेत्र में आए हुए हैं, अभी अभी तेलुगु सीखने के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें पहला वीडियो तो था आने जाने के बारे में, खाने के बारे में। उसके बाद क्या बातें होती हैं, उसके बाद खरीदने की बातें होती हैं। कुछ खरीदना है, क्या खरीदना है, हो सकता है सब्जी खरीदनी हो सकता है कपड़े खरीदने हो, कुछ भी चीज है ना। तो आज हम लोग बातें करेंगे कि जब कुछ खरीदना हो, जब हम मार्केट जाते हैं तो किस तरह से बातें करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बहुत तरह तरह के कमेंट्स आते हैं, मैडम इस पर वीडियो बनाइए, इस पर वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, अब तक बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे देखिए, नहीं तो फिर deepadaya.com में जाइए, वहां पे यूट्यूब वीडियो में लर्न तेलुगु रहेगा। वहाँ फ्रेंड्स आप आसानी से सब चीज सीख सकते हैं। बहुत सारे प्लेलिस्ट में सभी किस किस चीज पर वीडियो बना है उसका लिस्ट है, आप देख के स्टेप बाय स्टेप सीखिए, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यदि फ्रेंड्स आप पे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, तो आप edu.deepadaya.com ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर के टॉप तक बताया गया है, साथ ही साथ याद करने के ट्रिक्स बताए गए हैं, पढ़ने के ट्रिक्स बताए गए हैं, वर्कशीट भी दिया गया है, साथ ही साथ एग्जाम भी होंगे, आपको उन एग्जाम को पास भी करते जाना है और अंत में सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें तो होती रहती हैं, चलिए आज हम लोग बातें करते हैं खरीदारी की। जब हम खरीदने जाते हैं, कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं, तो कैसे बातें करते हैं, शुरू करें। चलिए देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोग जाते हैं तो क्या बोलते हैं, ठीक ठाक है ना, अच्छा है ना, ये हम लोग जानते हैं, अंडरस्टूड है कि बेचने वाला कभी नहीं कहेगा कि खराब है। खराब है बोलेगा तो लेंगे क्या, कभी नहीं लेंगे, और वो कभी खराब है बोलेगा भी नहीं, तो वो अच्छा ही बोलेगा। फिर भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक ठाक है ना बोलते हैं ना। तो वैसे ही तेलुगु में भी फ्रेंड्स, यदि कोई भी सामान को पूछना है ना, अच्छा है ना, अच्छा है ना, तो उसको बोलते हैं मंची। मंची मतलब क्या होता है, अच्छा, मंची दी, अच्छा है। जब पूछना है अच्छा है ना क्वेश्चन, तो क्या बोलेंगे ना, मंची है ना, मंची है ना, या फिर मंची है ना, मंचित है ना। तो फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए हम लोग सब्जी मार्केट में, ठीक है ना, सब्जी मार्केट में यदि कटहल देखिए, लौकी देखिए, तो एक ही लेंगे ना, तो उसको पूछेंगे मंचित है ना, मतलब ठीक ठाक है ना, सिंगुलर के लिए, जब एक चीज खरीदना उसके लिए। जब इतनी प्लूरल में होगा, जैसे मान लीजिए आलू खरीदना है, भिंडी खरीदना, कुछ भी लेना है, तो फिर एक तो नहीं लेंगे ना, ग्रेप्स लेना है तो एक तो नहीं लेंगे, तो उसको बोलेंगे मंचित है ना, या प्लूरल के लिए यूज करें, ठीक है ना, मंचित है ना, मंचित है ना, बस इतना ही बोलना है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक है ना। वो क्या बोलेगा, मंचित है अंडी, मतलब ठीक ही है जी, ऐसा बोलेगा, मंचित ही, वो भी आंसर उसका ऐसा रहेगा, ठीक है। चलिए, यदि हमें पूछना है सब्जी दुकान में पूछना है, ताजी है ना, तो फिर क्या बोलेंगे ना, ताजा है ना, काय बोलू ताजा है ना, सब्जी को बोलते हैं काय गुरलू, तो बोलेंगे काय गुरलू ताजा है ना, मतलब सब्जी ताजी है ना, वो तो ताजी ही बोलेगा जान रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं ताजी है ना, तो ताजा है ना, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स ताजा है ना, मतलब ताजी है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। फिर यदि हमें सामने से पूछना है क्या क्या है, उसके बाद भी लोग देखने के बाद पूछते हैं कुछ अंदर रखा हो, क्या क्या है, ऐसा हमें बोलना है क्या क्या है, तो बोलेंगे एम एम उन्नाई, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एम ही है, देखिए यहाँ पे जो है ना एमी प्लस एमी है, ठीक है ना, एम उन्नाई, मतलब क्या होता है, एम मतलब क्या क्या क्या, उन्नाई उन्हें है, एम उन्नाई क्या क्या है, तो उन्नाई फ्रेंड्स यहाँ पे फिर प्लूरल के लिए है ना, मतलब बहुत सारी चीजों के लिए, एम उन्नाई मतलब क्या क्या है, क्या क्या रखे हो, उसके बाद तो सब्जी का नाम बताएगा। तो फ्रेंड्स, सब्जियों के नाम यदि जानना है आपको, तो सब्जी वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें तो सब लिखा हुआ है, नहीं तो गूगल पे सब्जियों के नाम देखिएगा तो भी आसानी से आपको मिल जाएगा, उसके लिए कोई ज्यादा माथा पच्ची करने जा सकता नहीं, ठीक है। यदि हमें पूछना है क्या, यदि मान लीजिए सब्जियों के नाम आपने याद कर लिए, समझ लीजिए आपको चाहिए बंगाल दुबा चाहिए, ठीक है, बंगाल दुबा आलू तो सबको चाहिए होता है ना, यदि हमें पूछना है बंगाल दुबा, तो क्या बोलेंगे ना, बंगाल दुम्पा उन्नाया, यदि दिखने का है बंगाल दुम्पा उन्नाया, बंगाल दुम्पा है क्या, यदि मान लीजिए लौकी चाहिए आन पकाए, तो क्या बोलेंगे, आन पकाए उन्दा, यदि एक चीज लेनी है तो बोलेंगे उन्दा, और ज्यादा है तो उन्नाया है क्या, ठीक है क्या उन्दा उन्नाया।
नहीं है, मान लीजिए हम लोग को दिखाया, मजा नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो बागुन नारा, बागा मतलब अच्छा होता है ना, यहाँ भी बागा वर्ड आएगा फ्रेंड्स, बागा ले दू मैंने नहीं है अच्छा, बागा मैंने अच्छा ले दू नहीं है, अच्छा नहीं है, बागा ले दू अच्छा नहीं है, या फिर संकट में बोले दू, दोनों बोलते हैं बागा ले दू बोले दू, बागा ले दू बोले दू मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर यदि हम पूछ रहे हैं कैसे दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, कैसे के लिए क्या है, एला एला इस्तुनाऊ, कैसे दे रहे हो फ्रेंड्स, इसमें रिस्पेक्ट नहीं है ना, दे रहे हो है, इस्तुनाऊ तो यहाँ पे देखिए इस्तुनाऊ लगा, ठीक है, इस्तुनाऊ। यदि मान लीजिए कोई बुजुर्ग बैठा है तो हम लोग बोलेंगे ना कैसे दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, तो बस सिंपल है इस्तुना, और फिर इसी जगह पे रू रहेगा, इस्तुनाऊ इस्तुना ये ऊ नहीं रहेगा, ठीक है, इस्तुना रू, ठीक, इस्तुना ये ऊ नहीं रहेगा यहाँ पे, इस्तुना रू, कैसे दे रहे हैं, और छोटा लगे तो कैसे दे रहे हो, तो अला इस्तुना ऊ, फिर वहां पे हम लोग ऊ लगाते हैं, अला इस्तुना, ठीक है, कैसे दे रहे हो। फिर ज्यादा दाम बता रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना फ्रेंड्स, हो सकता है कि हम लोग जो है ना बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं और 100-200 रुपए टिप्स दे के आ जाते हैं, लेकिन जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो 5-5 रुपए की बार्गेनिंग चलती है, बुरा लगता है ना, लगता है, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है, हम लोग करते ही है। यदि हमें बोलना है ज्यादा दाम बता रहे हो तो तेलुगु में कैसे बोलेंगे, एक्वा, ज्यादा के लिए एक्वा, एक्वा दाम को धरा, दाम को धरा, चेप्तुन्नाऊ सेम वैसे फ्रेंड्स देखिए, चेप्तुन्नाऊ, चेप्तुन्ना तक वही रहेगा, वो जो है ये छोटों के लिए, चेप्तुन्नाऊ बता रहे हो, ज्यादा दाम बता रहे हो, एक्वा धरा चेप्तुन्नाऊ, यदि कोई बड़ा रहा तो चेप्तुन्ना रो, फिर वहां पे हम लोग ऊ को नहीं लिखेंगे, चेप्तुन्ना रो लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि याद हो जाए, क्योंकि ये सब शब्द जो है यदि पहली पहली बार आप सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से कठिन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। चलिए यदि हमें बोलना है थोड़ा कम करो, बार्गेनिंग तो आदत रहती है, कम तो करवाते ही है, थोड़ा कम करो, थोड़ा को पंचो, पंचो कम करो, तग्गिंचु 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 कोंचु तग्गिंचु, थोड़ा कम करो, यदि बड़े रहेंगे तो तग्गिंचंडि, फिर बोलेंगे फ्रेंड्स तग्गिंचंडि, तग्गिं तग्गिंचंडि इस तरह से, ठीक है, कोंचुं तग्गिं चंडी, उसमें एंडी लग गया फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट है ना, तग्गी प्लस एंडी, ठीक है, तग्गिं चंडी, तो थोड़ा कम करो या थोड़ा कम कीजिए। फिर 10 रुपए में कितने दोगे, क्वेश्चन पूछते ना नींबू लेने गए, 10 रुपए में कितने दोगे, यदि ऐसा पूछना है तो पहले तो नंबर भी जानना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 तक याद कर लीजिए, ठीक है, और नहीं होता है तो फिर क्या बोलेंगे, ऐसे सीखिए 10 रुपए में कितने दोगे, ठीक है, तो 10 को बोलते हैं पदी, रुपए लुको मतलब 10 रुपए में, इन्नी कितने, इस्ताऊ दोगे, 10 रुपए में कितने दोगे, पदी रुपए को इन्नी इस्ताऊ, 10 रुपए में कितने दोगे। तो फ्रेंड्स नंबर तो याद करना पड़ेगा, यदि आप नए नए सीख रहे हैं तो अभी इसी चीज पे ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से सीखिए और 10 को सीखिए, 10 का यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, उसको ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद फ्रेंड्स यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, नंबर के भी हैं, क्वेश्चंस के भी हैं, बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, आप आसानी से उसको देख सकते हैं, लेकिन पहले इस चैप्टर को माइंड में बिठा लीजिए, एक ही साथ सोचेंगे ना फ्रेंड्स, इसको भी देखें इसको भी देखें, कुछ भी नहीं आने वाला, धीरे धीरे रेमना धीरे धीरे होए, माली सींचे सौ बड़ा ऋतु आए फल होए, तो धीरे धीरे हम पेशेंस के साथ सीखेंगे ना तो सब हो जाएगा, एक साथ है सब सब है, सब साथ है सब जात, एक एक करके हम सबको पालेंगे और सोचेंगे कि सभी वीडियो को एक ही बार माइंड में डालें सब चला जाएगा, ठीक है, तो वन बाय वन सीखना है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, 5 दूंगा यदि पूछना है, 10 रुपए को इन्नी इस्ताऊ, यदि वो कहता है 5 दूंगा तो कैसे कहेगा, 5, 5, 2, 3, 4, 5 इस्तानो इस्तानो 5 दूंगा। देखिए फ्रेंड्स इस्ता इस्ता ये थोड़ा सा ट्रिक्स पकड़ लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, इस्ता इस्ताऊ मतलब तुम कितना दोगे, इसके पीछे बस नू लग जाएगा तो आंसर हो जाएगा इस्तानो 5 दूंगा, आई दू इस्तानो, ठीक है, इसी के पीछे बस रू लग जाएगा तो रिस्पेक्ट हो जाएगा, इस्तारू कैसे दे रहे हैं, ठीक है, इस्ताऊ कैसे दे रहे हो, इस्तानो ऐसे दूंगा, ठीक है। चलिए अब यदि पूछना है हमें कि 7 दोगे क्या, भाई बार्गेनिंग तो करनी है ना,
यदि हमें पूछना है। पांच के लिए तो बता दिया, फिर हम लोग बोलते हैं सात दोगे क्या, सात सात एड़ू, तो एड़िस्तावा। देखिए फिर इस्ता वर्ड लिया ना, इसको देखिए देने के लिए इस्ताऊ दोगे मतलब इस्ताऊ कैसे दे रहे हो, इस्तावा दोगे क्या, इस्तावा यहाँ फ्रेंड्स प्यार के लिए ना, प्यार के लिए अलग से कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, बस केवल वा लगा दिए या फिर रा लगा दिए तो अपने आप में ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है, ठीक है। साथ दोगे क्या, ए रिश्तावा। फिर यदि फ्रेंड्स कोई भी सामान वहाँ पे दिख रहा है तो हमें यदि बोलना है यदि इवी, इसका प्रयोग कैसे करेंगे इसको देखिए, ठीक है ना। यदि कोई भी चीज एक वचन में है, एक वचन में है तो उसको बोलेंगे इदी, इदी, इदी एला उंदी, ये कैसे है, इदी एला उंदी, ये कैसे है। और बहुवचन में कोई चीज है जैसे टमाटर है, ठीक है ना, ग्रेप्स खरीदने गए, द्राक्षा है, द्राक्षा उसे अंगूर को तेलुगु में द्राक्षा कहते हैं, ठीक है, द्राक्षा है, या फिर बेंडगा है, भिंडी है, तो एक खरीदने लाएंगे तो उसको हमें इवी बोलना होगा, इवी इवी। और फिर उसके साथ हम लोग कैसे बोलेंगे, इदी एला उंदी। देखिए यदि एक चीज लेना है फ्रेंड्स तो हम लोग पूछेंगे इदी एला उंदी मतलब ये कैसे है। एक में क्या क्या आ सकता है, लौकी है, अदरक है, जैकफ्रूट है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज है ना, कटहल है, जो एक एक बड़े बड़े रहते हैं जिसको हम लोग लेके आते हैं, तो उसको इदी एला उंदी मतलब ये कैसे है। लेकिन मान लीजिए हम लोग जो ज्यादा लेके आते हैं, ठीक है ना, टमाटर है, बैगन है, भिंडी है, ये सब लेना है तो उसको पूछेंगे इबी एला उन्नाई इस तरह से पूछना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है वीडियो छोटी सी है, लेकिन अब यदि मार्केट जाएंगे तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होंगी। ये तो बातें थी सब्जी मार्केट की फ्रेंड्स। यदि मान लीजिए हम लोग कपड़ा लेने जाते हैं, ठीक है ना, कपड़े खरीदने जाते हैं कपड़े के लिए, तो क्या बोलेंगे, मटेरियल एला उंदा, जैसे मटेरियल तो मटेरियल रहेगा, फिर वहां पूछेंगे मटेरियल एला उंदी मतलब मटेरियल जो है इसका कपड़े का मटेरियल, एला उंदी मतलब कैसा है, या फिर बाबुंदा, देखिए ऐसे ही पूछ सकते हैं, मटेरियल बाबुंदा, मटेरियल ठीक ठाक है ना बाबुंदा, तो वो बोलेगा बाबुंदी निश्चित रूप से, और बा ले दो बोलेगा तो अच्छा नहीं है। यदि मान लीजिए आपको अच्छा नहीं लगा तो फिर क्या बोलेंगे आप, मटेरियल अच्छा नहीं है मतलब अच्छा वाला दिखाइए, इस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो जब हम लोग कुछ खरीदने जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत यूजफुल होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगले वीडियो में फिर ऐसे ही किसी मजेदार साथ ही साथ जरूरी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।